वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे पाइथन के अंदर लिस्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली लिस्ट यूज़ होती है जब हमें मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करना हो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स की बात करें, जैसे ए में मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी 10। अब ए में क्या है, ए की वैल्यू स्टोर हो सकती है 10, और कोई वैल्यू तो स्टोर हो नहीं सकती। जब मेरे को मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है डिफरेंट डेटा टाइप की, तब हम क्या करते हैं, लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो लिस्ट बेसिकली मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। तो हमारे पास 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, और बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, जहाँ पे मल्टीपल आइटम्स एक साथ स्टोर की जाती हैं। एक लिस्ट है, एक टपल है, एक डिक्शनरी है और एक सेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिस्ट की बात करेंगे। लिस्ट को बेसिकली क्रिएट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ L, और इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दी एक स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि इसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। अभी ये खाली लिस्ट है, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे आपको बिल्कुल खाली लिस्ट दिखाई देगी। इसकी अगर हम टाइप को प्रिंट करें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये क्लास लिस्ट को बिलोंग कर रहा है। तो अभी हमने लिस्ट में कुछ भी डेटा स्टोर नहीं किया। अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट में जो भी डेटा स्टोर होता है वो भी एक ऑर्डर्ड होता है। जैसे हमने स्ट्रिंग में इंडेक्स वाइज एक एक करेक्टर उठाया था, यहाँ से हम आइटम्स को इंडेक्स वाइज एक एक करके उठा सकते हैं। और इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे डाल सकते हो, प्लस जो भी वैल्यू आपने लिस्ट में स्टोर किया आप उसको फर्दर जाके चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो भी डेटा हम लिस्ट में ऐड करेंगे, हम उसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी ऑल्टरेशन यहाँ पे लिस्ट में की जा सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक लिस्ट ले रहा हूँ जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, जैसे 10, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले ली, कुछ मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली, अगेन कुछ इंटीजर वैल्यूज़ ले ली, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ ले ली, यहाँ पे अगेन कुछ मैंने स्ट्रिंग ले ली। तो मल्टीपल वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दी, स्टोर कर दी, जिसकी डेटा टाइप भी क्या है, डिफरेंट है। कहीं जगह स्ट्रिंग बड़ी है, कहीं जगह फ्लोट वैल्यूज़ हैं, किसी जगह पे इंटीजर्स भी हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट को प्रिंट किया जहाँ पे इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग सभी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। अब मुझे यहाँ पे लिस्ट में जो फर्स्ट वैल्यू है मेरे को वो गेट करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू गेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट के इंडेक्स 0 पे जो पड़ा है मुझे वो प्रिंट कर दो। अब 0 पे क्या पड़ा है, 10। तो ये इंडेक्स 0 पे है, ये इंडेक्स 1 पे है, ये इंडेक्स 2 पे है, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे। ये हमने डे 1 भी इनकी इंडेक्सिंग देखी थी, और अभी लास्ट के सेशन के अंदर भी हमने स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग को अच्छे से चेक किया था। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि लिस्ट में कितने नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो उसके लिए लेंथ फंक्शन को यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिस्ट को पास करेंगे और टोटल बता देगा 9 आइटम्स जो हैं वो मेरी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। और टाइप भी अगर चेक करेंगे वो भी बता देगा कि ये क्लास लिस्ट को बिलोंग कर रहा है। तो ये हम ऊपर भी चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब लिस्ट में से आइटम को 1 by 1 एक्सेस करते हैं। तो मेरे पास जो लिस्ट है उसमें ये डेटा पड़ा है जो मैंने ऊपर अभी वैल्यूज स्टोर की हैं। अब इसमें सबसे पहले मुझे लिस्ट के इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है वो प्रिंट करना है। 0 पे 10 पड़ा है। आइट्रॉनिक्स को प्रिंट करना है तो ये इंडेक्स नंबर 2 पे है। तो अगर मैं इंडेक्स 2 लिखता हूँ तो आइट्रॉनिक्स प्रिंट कर देगा। इंडेक्स नंबर 5 पे सॉल्यूशंस पड़ा है, तो लिस्ट के इंडेक्स नंबर 5 पे क्या पड़ा है, सॉल्यूशंस पड़ा है। अब लास्ट वैल्यू नेगेटिव इंडेक्स से भी उठा सकते हैं, प्लस पॉजिटिव इंडेक्स से भी उठा सकते हैं। तो -1 लिखूंगा तो ये प्रिंट कर देगा। -4 पे मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशंस पड़ा है तो सॉल्यूशंस प्रिंट कर देगा। -7 पे आइट्रॉनिक्स पड़ा है तो -7 जब लिखूंगा तो आइट्रॉनिक्स प्रिंट कर देगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इधर से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 and -9। तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग भी स्ट्रिंग में से डेटा को फेच कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे रेंज भी हम पास कर सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग में रेंज पास की थी, सिमिलरली हम यहाँ पे भी रेंज पास करेंगे कि लिस्ट को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। तो यहाँ पे लिस्ट में कहाँ से डेटा को स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है, तो भी इसको मैं एज अ सिंटेक्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट लिस्ट में स्टार्टिंग और एंड। ना मैंने स्टार्ट मेंशन किया ना मैंने एंड मेंशन किया, तो पूरा डेटा उठा लेगा। इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करो और सारा डेटा प्रिंट कर दो। सिमिलरली स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और फिफ्थ इंडेक्स तक लेके आना है, तो फिफ्थ काउंट नहीं होगा, फोर्थ इंडेक्स तक आएगा। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4। अब अगर मैं 2 और 5 दोनों मेंशन कर दूंगा, 2 से स्टार्ट करना है, 5 पे एंड करना है, तो इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4 ये प्रिंट हो जाएगा। अब सिमिलरली लास्ट की 3 वैल्यूज प्रिंट करनी है तो मैं बोलूंगा -3 से स्टार्ट करना है, उसके बाद -2 एंड -1, तो लास्ट की 3 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। सिमिलरली इसमें भी हम इंक्रीमेंट वगैरह दे सकते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट लिस्ट के
कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। तो मतलब ये वाला आ जाएगा स्टार्ट, ये आ जाएगा एंड, और ये आ जाएगा इंक्रीमेंट कितने का करना है। तो अगर यहाँ पे भी हम कुछ नहीं लिखते हैं, ना स्टार्ट ना एंड ना इंक्रीमेंट, तो पूरी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 का। अब अगर मेरे को इंक्रीमेंट करना है बाय 2 का, तो यहाँ पे इंडेक्स 0, 2, 4, 6, 8 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट हो रही है ऑलवेज 0 से। मतलब अगर यहाँ पे मैं 0 लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 0 की जगह यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो ये मेरे पास ऑड इंडेक्स आ जाएगा। 1 से स्टार्ट करेगा 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7। सिमिलरली ऐसा भी कर सकते हैं, लास्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाना है लेकिन इंक्रीमेंट 3 का चाहिए, तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 6 ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसी अगर आपको लिस्ट को रिवर्स करना है तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि -1 से स्टार्ट करना है, एंड तक जाना है, -1 के बाद अगेन -1 कर दो, -2 -3 -4, तो एक एक करके पीछे से वैल्यूज़ प्रिंट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लिस्ट में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम करेंगे लिस्ट में से किसी वैल्यू को चेंज करना है, जैसे लिस्ट के इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा है 34.56, इसको चेंज करके मेरे को 3.14 करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.14। तो अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे कि जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है 3.14। मतलब अगर हम यहाँ पे लिस्ट के इंडेक्स 1 को दोबारा प्रिंट करेंगे तो 3.14 यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिस्ट में कोई भी वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप 2-3 वैल्यूज इकट्ठी चेंज करना चाहते हो, जैसे इंडेक्स 0 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर 3 4 को मेरे को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट के इंडेक्स नंबर 3 से लेके 5 लिखूंगा तो 3 और 4 आएंगे, क्योंकि 5 है तो एक वैल्यू कम तक चलेगी। इनको चेंज करके कर दो 50 और 75.5। अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो चेक करोगे लिस्ट के इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4 की वैल्यू 50 और 75.5 हो चुकी हैं, जो कि पहले 87 और 45.54 थी। अब वैल्यूज़ चेंज होने के बाद अगर मेरे को किसी लिस्ट के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके कुछ इंसर्ट करना है, मैं चाहता हूँ 50 और 75 के बीच में कुछ वैल्यू जो है वो मेरी इंसर्ट हो जाए, तो इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट इंसर्ट। तो कहाँ पे इंसर्ट करना है, 50 और 75.5 के बीच में, तो मतलब यहाँ पे मेरे को वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो जो कि इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर 4 पे इंसर्ट कर दो लेट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो 50 और 75 के बीच में मेरे पास वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है कि अगर मेरे को लिस्ट के लास्ट में कुछ ऐड करना है, जैसे अभी लिस्ट को प्रिंट करेंगे लास्ट में मेरे को लास्ट में कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए अपेंड फंक्शन यूज़ होता है, तो हम लिखेंगे एल डॉट अपेंड, लास्ट में अपेंड कर दो 100। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं लिस्ट को, तो चेक करोगे 100 जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अगर मैं फिर से रन कर दूंगा फिर से 100 ऐड हो जाएगा, फिर से रन कर दूंगा फिर से 100 ऐड हो जाएगा, जितनी बार रन करता जाऊंगा उतनी बार क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट आता है एक्सटेंड। तो ये क्या काम करती है, जैसे मेरे पास एक लिस्ट 1 है जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है 1 2 3, एक लिस्ट 2 है जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है 4 5 6, तो मुझे क्या करना है लिस्ट 1 के अंदर एक्सटेंड करना है लिस्ट 2 को, मतलब लिस्ट 1 की अंदर ही लिस्ट 2 भी क्या हो जाए ऐड हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट 1 के अंदर एक्सटेंड कर दो लिस्ट 2 को, मतलब अब अगर मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करूँगा तो उसके अंदर जो लिस्ट 2 का डेटा है वो भी उसमें क्या हो गया ऐड हो गया। अब हम करेंगे रिमूव करेंगे कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को। अब लिस्ट में से मुझे कुछ स्पेसिफिक आइटम रिमूव करनी है, तो डेटा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो मुझे यहाँ पे रिमूव करना है 77 को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट में से रिमूव कर दो किसको 77 को। अब जैसे इसको मैं रन करूँगा और यहाँ पे प्रिंट करूँगा लिस्ट को, तो 77 जो कि यहाँ पे अवेलेबल था 32 और 67.45 के बीच में, अब वो वैल्यू यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। सिमिलरली जैसे हमने वैल्यू के अकॉर्डिंग रिमूव किया है, हम उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे एल डॉट पॉप, एल डॉट पॉप की लिस्ट के किस इंडेक्स से वैल्यू रिमूव करना चाहते हो, इंडेक्स नंबर 3 से वैल्यू रिमूव कर दो जो कि 50 पड़ी है, तो लिस्ट के इंडेक्स नंबर 3 पे उसने शो कर दिया कि मैं 50 को रिमूव करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखो आईट्रॉनिक्स और AI के बीच में जो वैल्यू 50 थी वो रिमूव हो चुकी है। दूसरा हमारे पास ये भी मेथड है कि जैसे मेरे को लास्ट पे 100 पड़ा है ये रिमूव करना है, तो मैं डिलीट भी यूज़ कर सकता हूँ, लिस्ट के इंडेक्स माइनस पे जो माइनस 1 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको आप रिमूव कर दो, तो जहाँ पे 300 थे अब मेरे पास 200 बचे हैं। तो इस तरह से हम लिस्ट में से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे पूरी लिस्ट ही डिलीट करनी हो, तो अगर मेरे को पूरी लिस्ट डिलीट करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एल
डॉट क्लियर, जैसे लिस्ट वन के अंदर मेरे पास डेटा पड़ा ना, उसको हम क्लियर कर लेते हैं, लिस्ट वन डॉट क्लियर। तो डिलीट कीवर्ड के थ्रू हमने देख लिया कि आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी प्रिंट कर सकते हो, या अगर मैं को पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करनी है तो मैं डिलीट कर दूंगा लिस्ट वन। तो अब क्या होगा, मेरी पूरी की पूरी लिस्ट वन डिलीट हो चुकी है। अभी इसको क्लियर भी देखते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट वन मेरी पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है। अब क्लियर से क्या होता है, जैसे मेरे पास लिस्ट टू में डेटा पड़ा है तो मैं लिखूंगा लिस्ट टू डॉट क्लियर। अब इससे क्या होगा, मेरी जो लिस्ट टू है वो यहाँ पे पड़ी तो है, लेकिन अब वो क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट हो चुकी है। तो लिस्ट में से अगर आपको डेटा क्लियर करना है तो उसके लिए क्लियर फंक्शन यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है, हम लिस्ट को लूप के थ्रू आइट्रेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक फ्रूट्स नाम की लिस्ट है जिसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स ऐड कर लेता हूँ। सो मैंने एप्पल ले लिया, मैंगो, कीवी, उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज ले लेते हैं, एंड सिमिलरली पाइनएप्पल ले लेते हैं। अब लिस्ट में मेरे पास ये सारा डेटा पड़ा है, अब इसको मेरे को एक एक करके फोर लूप करके प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर लूप लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फोर आइटम इन, कहाँ पे, फ्रूट्स नाम की लिस्ट के अंदर। तो फ्रूट्स नाम की लिस्ट के अंदर जो भी आइटम है उसको आप क्या कर दो, वन बाय वन प्रिंट कर दो। तो एक एक करके जो फ्रूट्स में वैल्यू बढ़ी है, एप्पल, एप्पल पहले आइटम में कॉपी होगा वो प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट मैंगो आइटम में कॉपी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर कीवी आइटम में कॉपी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो एक एक करके क्या होगा, सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सिमिलरली हम उसको इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स के इंडेक्स जीरो पे क्या पड़ा है, एप्पल पड़ा है, ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे, लेंथ चेक कर लेंगे फ्रूट्स की कितनी है, तो टोटल फाइव हैं। तो हम क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे, फोर आई इन रेंज, जितनी लेंथ है मेरी फ्रूट्स की, जितना भी डेटा मेरा फ्रूट्स में पड़ा है, तो फाइव आ जाएगा। तो मेरे पास आई में वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो वन टू थ्री फोर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रूट्स के अंदर एज अ इंडेक्स पास कर देंगे आई को। तो वन बाय वन फ्रूट्स के इंडेक्स जीरो पे, वन पे, टू पे, थ्री पे, फोर पे क्या पड़ा है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो ये हमने प्रिंट करके देख लिया कि कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू, और डायरेक्ट हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो सेम चीज़ अगर आपको वाइल लूप के साथ प्रिंट करनी है वो भी आप कर सकते हो। तो i इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे लिख देंगे, वाइल लेंथ ऑफ फ्रूट्स, या i लेस देन लेंथ ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे एक बार i को प्रिंट करके देख लेते हैं, और i इक्वल टू i प्लस वन कर देते हैं। तो इंडेक्स आ गए मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4। बस अब यहाँ पे क्या करना है, फ्रूट्स को लिखना है और एज अ इंडेक्स i को पास कर देना है, तो वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो आप चाहे फोर लूप यूज़ कर लो या वाइल लूप यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, लिस्ट में से कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं एक लिस्ट वन ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इधर भी कुछ नंबर्स यहाँ पे चेंज कर देते हैं, और ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास लिस्ट वन के अंदर। अब मैक्सिमम वैल्यू लिस्ट में से क्या पड़ी है, तो मैक्स फंक्शन को यूज़ करेंगे, उसमें लिस्ट पास करेंगे। तो अब किस में उठानी है, लिस्ट वन में से। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 788, वो उसने फाइंड आउट कर दी। सिमिलरली मेरे को मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ से उठानी है, लिस्ट वन में से, जो कि 7 है वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दी। तो मैक्स, मिन, ये सारे फंक्शन हैं जो आप इजीली इसमें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे हम लिस्ट को सॉर्ट करेंगे अल्फा न्यूमेरिकली वाइज। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ फ्रूट्स यहाँ पे पड़े हैं, अब इनको मेरे को अल्फाबेटिकली वाइज क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, लिस्ट को हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट को क्या कर दो, डॉट सॉर्ट। सॉर्ट करने से जो मेरी लिस्ट है वो आपकी अल्फाबेटिकली वाइज सॉर्ट हो जाएगी। पहले ए आ रहा है, फिर के आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, और उसके बाद पी आ रहा है। सिमिलरली अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो आप लिखोगे एल डॉट सॉर्ट। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एल डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे लिख देंगे रिवर्स इक्वल टू ट्रू, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। बाई डिफॉल्ट रिवर्स इक्वल टू फॉल्स होता है, अगर रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरी जो लिस्ट है वो यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगी। सो बाई डिफॉल्ट ये जो सॉर्टिंग मेथड होता है केस सेंसिटिव होता है। अगर आपके पास जो डेटा है वो कैपिटल लेटर्स में भी है और लोअर लेटर्स में भी है, तब ये क्या करता है, ये कैपिटल लेटर्स को प्रायोरिटी पहले देता है, उसके बाद आपके जो स्मॉल लेटर्स हैं उसके बाद उनको प्रायोरिटी मिलती है। ये क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग ये डेटा उठाता है। जैसे कैपिटल ए की स्काई वैल्यू स्टार्ट होती है 65 से, और स्मॉल ए की स्काई वैल्यू स्टार्ट होती है 97 से। तो 65 क्या है, स्मॉलर नंबर है एज़ कम्पेयर टू 97। और अगर बीच में नंबर भी आ जाएंगे तो उसकी जैसे 48 होती है जीरो की,
तो सबसे पहले नंबर्स को प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद कैपिटल लेटर्स को मिलती है, उसके बाद स्मॉल लेटर्स को मिलती है। तो अगर आप स्काई वैल्यू सर्च करोगे आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा। जैसे अगर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो उसकी 32 होती है, तो हर एक की एक स्काई वैल्यू होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर डेटा केस सेंसिटिव है लेकिन फिर भी हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, फिर हम लिखेंगे एल डॉट सॉर्ट और इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे की इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कि जो मेरी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया जाए, लोअर केस में कन्वर्ट किया जाए पहले डेटा को, उसके बाद डेटा को सॉर्ट किया जाए। अब देखो यहाँ पे पहले ए आ रहा है, फिर के आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर पी आ रहा है, तब इसमें कोई केस का रोल नहीं रह गया। सिमिलरली अगर आपको लिस्ट को रिवर्स करना है, सॉर्ट नहीं करना, मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, पहले ये आए, फिर एप्पल आए, फिर कीवी आए, फिर मैंगो आए, फिर ऑरेंज आए, फिर हम सीधा लिखेंगे एल डॉट रिवर्स, तो ये पीछे से उठा लेगा लिस्ट को और रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे डेटा को अपडेट कर देगा। तो ये हो गया लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं। उसके बाद आता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक शॉर्टकट मेथड होता है यूज़ करने का। जैसे मान लो मेरे को 1 से लेके 100 तक डेटा है जो मेरे को लिस्ट में सेव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फोर लूप लगाता हूँ, फोर आई इन रेंज 1 से लेके 11 लिखूंगा तो 10 तक वैल्यूज आएंगी, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 का होगा। अब मेरे पास ये जो वैल्यू जनरेट हो रही है 1 से लेके 10 तक, अब ये सारी वैल्यूज मेरे को क्या करनी है, एक लिस्ट में ऐड करनी है। तो मैंने ये फोर लूप लगाई, तो मैं यहाँ पे एक खाली लिस्ट ले लेता हूँ और आई को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट। तो मैं कहता हूँ लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो जितनी भी आई की वैल्यूज आ रही हैं, तो 1 by 1 लिस्ट के अंदर क्या होगा, सारी वैल्यूज सेव हो जाएंगी। पहले 1 आ रहा है, फिर 2 अपेंड हो रहा है, फिर 2 के बाद 3 लास्ट में ऐड हो रहा है, फिर 4 लास्ट में ऐड हो रहा है। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, लास्ट में वैल्यूज ऐड करता है। तो ये हमने देख लिया कि लिस्ट में कैसे डेटा आप स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं कोई यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करना है, वो बहुत ईजी है। आप एक खाली लिस्ट लो, आप उस लिस्ट के अंदर ही क्या कर सकते हो, फोर लूप लगा सकते हो, फोर आई इन रेंज 1 से 11, 1। तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट ली, उसके अंदर क्या लगाया, फोर लूप। अब आई की वैल्यू प्रिंट जो होती है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, जो भी आई की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या करेगा, लिस्ट में स्टोर कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 से लेके 10 तक। आपने इसी चीज़ को कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल लाइन के अंदर, लगना वही है, फोर लूप लगी, जो आई की वैल्यू यहाँ पे अपेंड हो रही है वो आपको स्टार्टिंग में लिख देनी है, तो जो वैल्यू स्टार्टिंग में लिखी है वो लिस्ट में ऐड होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को 1 से लेके 100 तक जो वैल्यूज़ हैं मुझे वो स्टोर करनी है एक लिस्ट के अंदर। अगर नॉर्मल फोर लूप लगाऊँ, फोर आई इन रेंज 1 से लेके 101 तक, तो इसमें यहाँ पे लगा दूंगा, प्रिंट कर दो आई की वैल्यू को, अभी एक ही लाइन में प्रिंट करके दिखाता हूँ। 1 से लेके 100 तक ये वैल्यूज आ रही हैं, मेरे को वो वैल्यूज चाहिए जो 3 का मल्टीपल है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, इफ़ आई मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, जो भी वैल्यू आई की 3 के साथ जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, सिर्फ वही वैल्यूज क्या कर दो, प्रिंट कर दो। अब ये वैल्यूज मेरे को क्या करनी है, लिस्ट में ऐड करनी है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक खाली लिस्ट ले लेते हैं, और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने लगाई है यहाँ पे, इसको हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो जो भी आई की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, मेरे पास वो सारा डेटा जो पहले सिंगल सिंगल वैल्यूज़ प्रिंट हो रही थी, अब वो एज अ लिस्ट में मेरे पास शो हो रहा है। अब सेम चीज़ अगर मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू ये चीज़ करनी हो, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, एक लिस्ट ले लेंगे, तो मैं यहाँ इसके अंदर फोर लूप लगाऊंगा, फोर आई इन रेंज 1 से लेके 101 तक, comma 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ आई मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, उसके बाद जो आई की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो वो मेरी लिस्ट में ऐड कर दो। तो यहाँ पे कंडीशन भी लग जाती है, प्लस आपकी फोर लूप भी वर्क करती है। इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये बहुत फास्ट होते हैं, अगर इसका टाइम कंपेयर करोगे, इसका टाइम कंपेयर करोगे, तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बहुत फास्ट होते हैं। सिमिलरली इसके साथ नेक्स्ट अगर हम देखें, आप इसके साथ इफ़ एल्स भी लगा सकते हो। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, मैंगो एंड यहाँ पे कीवी ले लेते हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन्हीं फ्रूट्स को दोबारा लिस्ट में ऐड करना है, लेकिन जहाँ पे मैंगो आ रहा है उसकी जगह मेरे को लेट से ऑरेंज लेके आना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट लेता हूँ, फॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर एक्स इन एल, जो भी डेटा पड़ा है लिस्ट के अंदर वो किस में आ जाए, एक्स के अंदर आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, इफ़, अगर इफ़ और एल्स आते हैं तो वो पहले आ जाते हैं, अगर इफ़ भी है और एल्स भी है
वो आपकी पहले आएगी। यहाँ पे इफ अगर x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू क्या है, मैंगो, अगर x की वैल्यू मैंगो के इक्वल नहीं है तो आप क्या कर दो, x को एज इट इज प्रिंट कर दो, एल्स अदरवाइज क्या प्रिंट कर दो उसकी जगह ऑरेंज। अब ये डेटा वापस किस में जाएगा, लिस्ट वन में। अपडेट कर लेते हैं तो जहाँ पे मेरे पास मैंगो है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑरेंज के अंदर। अगर इफ़ और एल्स दोनों आ रहे हैं तो ऐसे चलेंगे, अगर सिर्फ इफ़ है तो पहले फॉर लूप फिर इफ़ उसके बाद क्या प्रिंट चाहते हो, तो जो भी प्रिंट करवाना है वो आगे। अगर इफ़ और एल्स दोनों है, पहले इफ़ एल्स उसके बाद यहाँ पे आगे फॉर लूप, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू भी लूपिंग स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास डेटा है लिस्ट वन के अंदर, इसको अगर आपको एक एक करके प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे एक लिस्ट लो और इसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे फॉर आई इन लिस्ट वन और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे, आई लिख देंगे, तो एक एक करके जो भी वैल्यू मेरी उसमें आ रही है लिस्ट में, जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन एल वन और प्रिंट कर दो उस पर्टिकुलर आई की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल ऑरेंज एंड कीवी यहाँ पे वो शो कर देगा। अब ऐसी मुझे क्या करना है कि एक लिस्ट का डेटा किसी दूसरी लिस्ट में कॉपी करना है, ठीक है, तो उसके कौन कौन से मेथड हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट वन ले रहा हूँ जिसके अंदर डेटा पड़ा है 1, 2 and 3, तो मैं कह रहा हूँ लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1। अब इससे क्या होगा, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में सेम डेटा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, लिस्ट 1 के अंदर भी वही डेटा पड़ा है और लिस्ट 2 के अंदर भी वही डेटा पड़ा है। अब लिस्ट 1 के इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू 2 पड़ी है उसको मैं चेंज करके क्या कर रहा हूँ, 4। अब अगर मैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को दोबारा प्रिंट करता हूँ तो उसमें क्या होगा, दोनों जगह इंडेक्स चेंज हो जाएगा। मैंने चेंज किसको किया था, सिर्फ लिस्ट 1 के इंडेक्स को, ठीक है, लिस्ट 1 के फर्स्ट इंडेक्स को, वो लिस्ट 2 के इंडेक्स को भी चेंज कर देगा। इसका मतलब होता है जब आप किसी डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर लिस्ट को असाइन कर देते हो ना, वो दोनों सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं। अगर आप एक में चेंजेस करोगे दूसरे में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो दूसरे में वो चेंजेस ऑटोमेटिकली ना हो तब हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, तब हमारे पास कॉपी मेथड होता है। सो अब जैसे मेरे पास लिस्ट 1 है जिसके अंदर अगेन मैं यहाँ पे 1, 2, 3 स्टोर कर रहा हूँ और अब मैं लिस्ट 2 में क्या लिख रहा हूँ, लिस्ट 1 डॉट कॉपी, तो लिस्ट 1 की जो भी एग्जैक्ट कॉपी है वो लिस्ट 2 में डाल दो। अभी देखने में दोनों में आपको डेटा सेम मिलेगा, लिस्ट 1 के अंदर भी एंड लिस्ट 2 के अंदर भी, ठीक है। अब जब हम डेटा को चेंज करेंगे, जैसे मैं लिस्ट 1 के इंडेक्स नंबर 4 पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू मैंने 4 कर दी, अब अगर चेक करेंगे तो फर्स्ट में चेंज हो गई लेकिन सेकंड में चेंज नहीं हुई। तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं देन आप इस मेथड से डेटा को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड होता है और उस मेथड की भी अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखते हैं और लिखते हैं, लिस्ट 1 के अंदर डेटा पड़ा है मेरे पास 1, 2 and 3, तो मैं लिस्ट 2 इक्वल टू यहाँ पे लिस्ट फंक्शन के अंदर लिस्ट 1 को पास करूँगा, डायरेक्ट लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिस्ट 1 को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा लिस्ट 2 में सेव कर रहा हूँ। इस मेथड से क्या होता है, इस मेथड से ये दोनों अलग मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं। अब अगर मैं लिस्ट 1 के इंडेक्स नंबर 1 को चेंज करके अगर उसको मैं 4 कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो सिर्फ लिस्ट 1 में चेंज होगा, लिस्ट 2 में चेंज नहीं होगा। तो मल्टीपल वेज है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मेरे को दो लिस्ट को ज्वाइन करना है, जैसे एक लिस्ट में 1, 2, 3 पड़ा है, एक सेकंड लिस्ट में मेरे पास 4, 5, 6 पड़ा है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ ये क्या हो जाएंगी, दोनों कनकैटिनेट हो जाएंगी। तो मेरे को एक थर्ड लिस्ट चाहिए, अगर मैं लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करता हूँ तो इससे क्या होगा, लिस्ट 3 में दोनों का डेटा आ जाएगा, वो दोनों क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। तो इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं दो लिस्ट को। और दूसरा मेथड है ज्वाइन करने का कि आप अपेंड फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में डेटा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, सो लिस्ट 1 में डेटा ये पड़ा है, लिस्ट 2 में डेटा ये पड़ा है, एंड अगर मैं फॉर लूप लगाता हूँ यहाँ पे फॉर आई इन लिस्ट 2, क्योंकि आई
को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो उससे क्या होगा, एक एक वैल्यू लिस्ट टू की यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैं i की जो वैल्यू आ रही है उसको मैं लिस्ट वन के अंदर क्या कर दूँगा, अपेंड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट वन के अंदर अपेंड कर दो जो i की वैल्यूज़ आ रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट वन को प्रिंट करता हूँ तो उसमें मेरी जो वो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे अपेंड हो चुकी हैं। और तीसरा मेथड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि लिस्ट वन में अगर वैल्यू पड़ी है 1, 2, 3, लिस्ट टू के अंदर वैल्यू पड़ी है मेरे पास 4, 5, 6, तो आप यहाँ पे एक्सटेंड को यूज़ कर सकते हो। लिस्ट वन के अंदर एक्सटेंड कर दो लिस्ट टू को, और अब अगर हम यहाँ पे लिस्ट वन को प्रिंट करते हैं तो उसमें दोनों का डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमने ऊपर भी यहाँ पे चेक कर लिया। सिमिलरली अगर आप कुछ काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास काउंट फंक्शन है। जैसे मैंने लिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 6 यहाँ पे कुछ डेटा ले लिया। अब मेरे को काउंट करना है लिस्ट में 7 कितनी बार आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट में से काउंट करके बताओ कि 7 कितनी बार आ रहा है। तो 4 टाइम्स जो है वो मेरा 7 यहाँ पे शो कर रहा है। सिमिलरली अगर आप किसी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे मेरे पास एक टपल है इसमें कुछ डेटा बढ़ा है 1, 2, 3, 4, 5, इसको अगर मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिस्ट फंक्शन को यूज़ करूँगा, यहाँ पे टी को पास कर दूँगा, ये मेरा इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो किसी भी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास लिस्ट फंक्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है अगर मेरे को लिस्ट के मेरे पास अगर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 1, 1, 2, 3, बहुत सारी वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे लिस्ट में डुप्लीकेट हैं। अब इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है तो उसके लिए मेरे पास सेट नाम का फंक्शन है। सेट नाम के फंक्शन के अंदर आप लिस्ट को पास करो, आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी। सेट क्या करता है, आपके डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है। अब डेटा तो करली ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस लिस्ट के अंदर एस को पास कर देंगे, वो डेटा वापस हमारा लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेथड है लिस्ट में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करके आप डेटा को वापस से रिस्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट जब आ जाती है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, इसके अंदर एक और लिस्ट, इसके अंदर एक और लिस्ट, इसके अंदर एक और लिस्ट, इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल लिस्ट। जैसे मैंने डेटा स्टोर कर दिया 1, 2, 3, सेकेंड लिस्ट के अंदर पड़ा है 4, 5, 6, इसके अंदर पड़ा है 7, 8, 9, तो ये जो डेटा है ये मेरा एक टू डायमेंशन लिस्ट के अंदर है, ठीक है। अब इसमें ये जो पूरी लिस्ट है ये इंडेक्स 0 पे पड़ी है, ये पूरी इंडेक्स 1 पे पड़ी है, और ये वाली पूरी लिस्ट इंडेक्स 2 पे पड़ी है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ लिस्ट के इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है, तो पहली वाली पूरी आ जाएगी, इंडेक्स नंबर 1 पे अगली लिस्ट, इंडेक्स नंबर 2 पे उससे अगली लिस्ट। ऐसी अगर मेरे को 1 प्रिंट करना है तो ये लिस्ट के इंडेक्स 0 पे पड़ा है, अब 0 के 0 पे ये पड़ा है, 0 के 1 पे ये पड़ा है, 0 के 2 पे ये पड़ा है, मतलब 0 के 0 पे 1 जो है वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, 0 के 0 पे, 0 के 1 पे एंड सिमिलरली 0 के 2 पे, तो 1, 2, 3 आ गया। अब जब मेरे को 4, 5, 6 चाहिए तो वो 1 के 0 पे, 1 के 1 पे, 1 के 2 पे। अब जब मेरे को 7, 8, 9 चाहिए तो इंडेक्स नंबर 2 के 0 पे, 2 के 1 पे, 2 के 2 पे, ठीक है। तो इस तरह से डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप इसको आइट्रेट करना चाहते हैं तो इसको भी फॉर लूप लगा के हम आइट्रेशन कर सकते हैं इसकी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर रो इन एल, तो एक एक करके जो भी लिस्ट आ रही है वो मेरी किस में सेव हो जाएगी, रो के अंदर। जैसे पहली रो के अंदर 1, 2, 3, फिर दूसरी रो 4, 5, 6, थर्ड रो 7, 8, 9, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप रो के साथ इसको भी फर्दर आइट्रेट करना चाहते हो, मतलब उसके कॉलम्स की वैल्यू को, तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोर रो इन एल, मतलब लिस्ट की जो भी डेटा पड़ा है वो रो में आ जाएगा। फिर मैं यहाँ लिखूँगा फोर कॉलम इन रो, उस पर्टिकुलर रो को एक और आइट्रेट कर दिया जाए। उसके बाद हम क्या कर देंगे, कॉलम को प्रिंट कर लेंगे, एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो एंड इक्वल टू स्पेस कर देंगे, और जब एक रो प्रिंट हो जाएगी उसके बाद एक खाली लाइन छोड़ देंगे। तो पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अभी यहाँ पे देखो कोई भी डेटा लिस्ट में नहीं है, ऊपर लिस्ट में था, नीचे कोई भी डेटा लिस्ट में नहीं है, ठीक है। और इसमें हम और भी कर सकते हैं, इसमें मेन डेटा कैसे यूज़ होता है, जैसे मैंने एक लिस्ट ली, इसमें मैंने नेम, एज और मार्क्स, यहाँ पे 3 चीज़ें लूँगा, नेम, एज एंड मार्क्स। नेम ले लिया, एज लेट्स से ये ले ली, मार्क्स ये ले लिए,
ऐसी सेकंड स्टूडेंट का नेम, उसकी एज और उसके लेट्स से मार्क्स, ऐसी थर्ड स्टूडेंट का नेम, उसकी एज एंड उसके मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट का नेम, एज और मार्क्स, जैसे इंडेक्स जीरो पे पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा है, इंडेक्स वन पे अगले स्टूडेंट का, इंडेक्स टू पे अगले स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा है। अब ऐसे ही मेरे को फर्दर और स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। जैसे इनपुट लिया मैंने और यहाँ पे लिखा एंटर नेम, इसको मैंने ए में रख लिया और बी के अंदर मैंने इंटीजर में इनपुट ले लिया एंटर एज, उसके बाद सी के अंदर मैंने फ्लोट के अंदर इनपुट ले लिया क्योंकि मेरे को मार्क्स स्टोर करने हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी डेटा को फर्दर लिस्ट में ऐड करना है, तो मैं लिस्ट के अंदर अपेंड कर दूंगा एज अ लिस्ट, एज अ लिस्ट, किसको लिस्ट के अंदर अपेंड करना है, एज अ लिस्ट, क्योंकि ये एज अ लिस्ट अपेंड हुए हुए हैं, किसको, पहले ए की वैल्यू को, फिर बी की वैल्यू को और उसके बाद सी की वैल्यू को। अब यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे। अब जैसे मैंने अपना नेम ऐड कर दिया, अपनी एज ऐड कर दी, अपने मार्क्स ऐड कर दिए, तो एज अ स्टूडेंट मेरा वहाँ पर रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ऐसी एक और नेम ले लेते हैं, जैसे मैंने अमन ले लिया, एज उसकी ये ले ली, मार्क्स उसके ये ले लिए, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से डेटा जो है वो लिस्ट में स्टोर हो जाता है। अभी डेटा साइंस में बहुत ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ हो जाता है, क्योंकि इस डेटा को हम एक्सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, वहाँ पे कॉलम्स बन जाएंगे, नेम, एज, मार्क्स, फिर वहाँ पे डेटा को एनालाइज किया जाता है। तो जब हम डेटा साइंस करेंगे ये चीज़ें हम दोबारा डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए समझ लो कि इस तरह से डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, उसके बाद उसको ईजिली एक्सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट करते हैं कि अगर मेरे को एक वन डायमेंशनल एरे कन्वर्ट करना हो, बनाना हो, तो वो कैसे बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक नंबर है 5 और मैं चाहता हूँ कि एक लिस्ट है जिसमें वैल्यू पड़ी है 0 और उसको कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर दो, 5। इससे क्या होगा कि एक लिस्ट मिलेगी जिसमें हर में क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा, तो इसको हम एरे बोल देते हैं या लिस्ट बोलिए, लिस्ट बोल दो। तो हमारे पास क्या आ गया, जिसमें सभी में क्या पड़ा है, 0। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो वैल्यू रिपीट हो जाती है। जैसे एक लिस्ट 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 के साथ, तो 5 टाइम्स ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, एंड लास्ट टाइम अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सेम 0 को मैंने कितनी बार रिपीट किया, 5 टाइम। तो ये मेरी वन डायमेंशनल एरे जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एंड सिमिलरली इसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ अगर मैं फोर लूप लगाता हूँ और लिस्ट कॉम्प्रेंशन यूज़ करता हूँ। तो मैं लिखा 4i in range, लेट्स से मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मेरे को क्या चाहिए, 0, 5 बार क्या चाहिए, 0। तो इसको मैं लिस्ट में सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 5 बार मेरे को क्या मिल जाएगा, 0। तो इस तरह से आप, अगर आपको एक लिस्ट जनरेट करनी है जिसमें इतने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपको चाहिए, तो आप ईज़िली जनरेट कर सकते हो। ऐसी अगर आपको टू डायमेंशनल डेटा जनरेट करना है, तो वहाँ पे हम रोज़ और कॉलम्स ले लेते हैं, R फॉर रो, C फॉर कॉलम, और यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि मेरे को 5 रोज़ 5 कॉलम चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक लिस्ट ली और उस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट ली जो मैंने डिफ़ाइन किया, 0 को मल्टीप्लाई कर दो 5 टाइम, वो एज अ लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो बाहर लिस्ट है इसको फर्दर 5 टाइम क्या कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे रो लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ। अब मेरे पास जो डेटा जनरेट होगा वो एक टू डायमेंशनल डेटा जनरेट हो जाएगा, रो एंड कॉलम इक्वल इक्वल हो जाएंगे, बाकी जितने भी आप यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करोगे उस हिसाब से ये भी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ईजी से मैथड है, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। एंड सिमिलरली अगर आपको लिस्ट के अंदर कोई एक और सब लिस्ट अगर आपको ऐड करनी है, वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3, उसके बाद एक लिस्ट है जिसमें पड़ा है 4 5 6, और एक लिस्ट है जिसके अंदर पड़ा है 7 8 9। तो अब इसके अंदर मेरे को 1 2 3, इसके अंदर मेरे को कुछ और वैल्यूज़ भी ऐड करनी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ी है, लिस्ट के इंडेक्स 0 पे, तो इंडेक्स 0 पे अपेंड कर दो। क्या अपेंड करना है, तो लेट्स से मेरे को अपेंड करना है एज अ, या तो अगर मेरे को पहले इसके अंदर कुछ अपेंड करना है, 0 के ऊपर अपेंड नहीं करना, मेरे को ओवरऑल लिस्ट के अंदर अगर अपेंड करना है तो मैं एल डॉट अपेंड कर दूंगा, एज अ लिस्ट अपेंड कर दो, जैसे 10, 11, 12। तो ये हमने देख लिया कि आपके लिस्ट में पीछे एक और ऐड हो जाएगा, जैसे अभी हमने स्टूडेंट्स का ऐड किया है, सेम वे है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे करना चाहते हो, जैसे इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू क्या पड़ी है, 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दूंगा इसके अंदर आप एक्सटेंड कर दो इस लिस्ट को,
इसमें कुछ और डेटा ऐड कर दो, और वो ऐड कर दो जैसे 654, 456 है, 654 और ऐड कर दो। अब अगर लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 456, इसके बाद 654 उसमें और ऐड हो गया। तो ऐसे ही अगर आप सिर्फ इसी को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हो, जैसे ये 789 लिखा है, इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो लिस्ट के इंडेक्स नंबर 2 पे जो डेटा पड़ा है इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो अब अगर लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो सिर्फ ये डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो ये है हमारा पूरे का पूरा लिस्ट का चैप्टर, और इसके अंदर हमने देखा कैसे आप लिस्ट को ऐड कर सकते हो और लिस्ट में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, आइट्रेट कर सकते हो, उसके बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी टेक्निक्स हैं कि आप डेटा के साथ कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिस्ट। नेक्स्ट का जो सेशन होगा उसके अंदर हम देखेंगे टपल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें क्या क्या हम फर्दर चेंजेस कर सकते हैं, क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू।